Where there is light, darkness cannot be. Where there is knowledge, ignorance must quit. We would like to request our principal, ma'am, Mrs. Kamini Bhasin, to kindly escort the dignitaries to light the ceremonial lamp whose glowing flame signifies enlightenment, right path, and motivates one to achieve goals. Om Bhur Bhuvaswaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. We would now like to request our beloved Principal Ma'am to address the August gathering. Our proud presentation of today, Paigham-e-Kabir, is a passionate endeavor of DPS Noida to uphold the eternal values of secularism, humanism, human dignity, and brotherhood. I take great pride in the fact that today's in-house mass production features every child of class 7th and the ever appreciative and ever supportive teachers of class 7th have painstakingly carved out a role for each and every child of class 7th. We are particularly delighted about bringing many first-timers on the stage today. Thank you. We will request Professor B.P. Khandelwal to say a few words of wisdom. Kabir, जब आप प्रस्तुति कर रहे हैं, ये उसमें बहुत बड़ा संदेश लेकर आया है। ये कोशिश कबीर के माध्यम से वो संस्कार देने की है, वो संदेश देने की है, जो इन बच्चों के साथ ताज़िंदगी, ज़िंदगी भर रहेगी। हमारा आपसे बहुत-बहुत यही गुजारिश है कि आप उसको बहुत मोहब्बत के साथ, बहुत प्रेम के साथ, बहुत संरक्षिता के साथ उसको आगे बढ़ाने दें। We now invite Mr. Arvind Kejriwal to say a few words of wisdom. एक छोटी सी बात केवल कहना चाहूँगा। हम जब भी अपने बच्चों से कोई पूछता है, बेटा बड़े होके क्या बनोगे? तो कहते हैं कोई कहता है डॉक्टर बनेंगे, कोई कहता है इंजीनियर बनेंगे, कोई कहता है एडवोकेट बनेंगे। डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर तो पेशा होता है, पैसे कमाने के लिए, ज़िंदगी चलाने के लिए। मुझे लगता है हमें ऐसे संस्कार भरने अपने बच्चों के कि अगर कोई पूछे अपने बच्चों से कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे, तो वो कहे मैं बड़े होके अच्छा इंसान बनूंगा, मैं बड़े होके देशभक्त बनूंगा, मैं बड़े होके देश की सेवा करूँगा। फिर से मैं DPS स्कूल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मेरी शुभकामनाएँ, बहुत बहुत शुक्रिया। कबीर एक ऐसी दिव्यात्मा जिन्होंने पैगाम दिया प्रेम का, गुरु की भक्ति का, शांति का तथा धार्मिक सहिष्णुता का, जिन्होंने माना कि बाहरी आडंबर मनुष्य के मन मस्तिष्क में आपसी भेदभाव को जन्म देते हैं। ऐसे में प्रेम ही एक दूसरे को सौहार्द के अटूट बंधन में बांधता है। प्रेम की ढाई आखर में छिपी अलौकिकता का परिचय देकर कबीर ने समाज को नवजीवन एवं नव दृष्टिकोण प्रदान किया। यही प्रेम भक्ति को जन्म देता है तथा भक्ति उस विश्वास को जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकारता है। इसी भावना के चलते मनुष्यता मनुष्य से कभी अलग नहीं हो पाएगी। तो आइए चलें संत कबीर की उस दुनिया में जहां प्रेम ही प्रेम है। प्रस्तुत है पैगामे कबीर। ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है? मैं हिंदू हूं या फिर मुसलमान? मैं तो उस परवरदिगार का अंश मात्र हूं। सांसारिक तक क्या जन्म लेना ही निर्धारित करता है कि मनुष्य मुसलमान है या हिंदू? आखिर ऐसा क्यों? क्या कर्म का कोई महत्व नहीं? ऐसा ही कुछ मेरे जन्म के समय भी हुआ था।
अल्लाह पर भरोसा रखो, वो हमारी जरूर सुनेगा। लेकिन इतने बरस हो गए हैं, मेरी गोद अभी भी सूनी की सूनी है। नीमा, ये आवाज कैसे? किसी बच्चे की लग रही है। हाँ, आवाज तो है, लगता है कोई बच्चा रो रहा है। ये बच्चा यहाँ कैसे? यहाँ आसपास भी दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कौन रख गया वैसे यहाँ? कबीरा जब हम। सुनिए जी, मेरा दिल कहता है मौला ने हमारी सुन ली। आज उसने हम बे औलादों को औलाद से नवाजा है। हाँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन हम इसे अपने घर ले जाएंगे। फिर जात कोई भी हो, और हम अब इसे कबीर कहकर पुकारेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। या खुदा, इस ना समझ को माफ कर। दिन में रोजा रहत है, रात हनत है गाय। ये खून वो बंदगी, कहूं क्यों खुशी खुदा। खुदा के बंदों की ये कैसी रीत है? उस दिन अब्बू की बातों ने मेरे दिलो दिमाग को छकछोर डाला। ये कैसी बंदगी है? एक बेजुबान को कुर्बान करने से अल्लाह हमारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है। कितना बेरहम है हमारा ये मजहब। अल्लाहु अकबर। अल्लाह। अबू, अबू, अम्मी, अरे कहाँ हैं आप? और ये बकरा क्यों बंधा है? क्या मैं इसे घास खिला दूं? बेचारा बड़ा ही भूखा लग रहा है। बेटा कबीर, ईद आने वाली है ना, अल्लाह मियाँ की खिदमत में ही तो इसे लाए हैं। अच्छा, तो मैं इसका नाम भी रखूंगा, ये मेरा दोस्त बन जाएगा, मैं इसके साथ खेलूंगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं, खूब खेलना खूब। और जब ये बड़ा हो जाएगा तो खुदा की खिदमत में इसकी कुर्बानी दी जाएगी। और कुर्बानी? कुर्बानी क्यों? नहीं अब्बाजान, ये नहीं हो सकता। इस बेचारे ने हमारा क्या बिगाड़ा है? मैं ये नहीं मानता। अब्बा, क्या मैं खुदा से मिल सकता हूँ? मैं खुद ही उनसे पूछूंगा। माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर। माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर रे भैया, मन का मन का फे। जिंदगी भर क्या केवल खुदा का नाम लेना ही काफी है? मनुष्य ये क्यों नहीं समझ पाता कि ईश्वर ने तो सबको एक समान ही बनाया है, फिर इंसानों में ये अंतर क्यों? महंत जी की जय हो। महंत जी की जय हो। आप तो ईश्वर का रूप है, आपकी कृपा से मेरा बेटा ठीक हो गया महाराज। मैं कौन होता हूँ ठीक करने वाला, ये सब तो ईश्वर की कृपा है। राशिद, ये तो महान महंत सच्चिदानंद है ना? हाँ कबीर, बड़े ही पहुँचे हुए महंत हैं। ये जो कहते हैं सब सच होता है, पर लड्डू। वह निर्गुण
राम राम राम। अरे कमबख्त, तुझे भी अभी दिखना था। अरे हरे हरे हरे, सब अशुभ हो गया, अब तो फिर से नहाना पड़ेगा। राम राम राम। लेकिन महंत जी, ऐसा क्या हो गया? मैंने क्या किया है? अरे क्या किया है, जैसे कुछ पता ही नहीं। तुम दूसरे धर्म के हो, तुम्हारी तो परछाई भी। बुरे फंसे, चलो कभी चलो यहाँ से, नहीं तो। ये धर्म क्या होता है, मुझे बताइए महंत जी। अरे धर्म जानना चाहते हो तो गुरु रामानंद जी के पास जाओ, वही तुम्हें बताएंगे। जाओ, चलो। क्या वे खुदा को जानते हैं? और क्या वे मुझे भी उनसे मिलवाएंगे? अरे अब तुम जाओ यहाँ से, मेरा समय खराब मत करो। हरे राम हरे राम हरे राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। जी 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 जी, जय हनुमान। कि गंगा का पवित्र जल लोगों को शुद्ध कर सकता है, तो मुझे क्यों नहीं कर सकता? अरे ये कौन है? तुम कौन हो भाई, यहाँ क्यों बैठे हो? मैं कबीर हूँ गुरुजी। अरे ये तो मुसलमान है। क्या चाहते हो? आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। शिष्य बनना चाहते हो, आखिर क्यों? ताकि आपसे धर्म और खुदा के बारे में जान सकूं। गुरुजी ये क्या कह रहा है? अरे क्या तुम जानते नहीं, गुरुजी किसी मुसलमान को अपना शिष्य नहीं बनाते। लेकिन उन्होंने तो मुझे अपना शिष्य बना लिया है। हैं? वो कैसे? अभी अभी तो उन्होंने पहला सबक पढ़ाया है, राम राम राम। हम तुम्हारी जिज्ञासा और बुद्धिमत्ता को देखकर अत्यंत ही प्रभावित हुए। हम तुम्हें अपना शिष्य अवश्य बनाएंगे। ईश्वर एक है, वही सृजनहार है, उसी की सत्ता इस पूरे ब्रह्मांड को गतिमयता प्रदान करती है। हम सभी उसी ईश्वर की इच्छा अनुरूप ही कार्य करते हैं। ईश्वर के समक्ष जाति रंग भेद आदि की कोई मान्यता नहीं है। सचमुच भगवान ऐसा है, तो फिर खुदा कैसा है? बेटा कबीर, खुदा और भगवान एक ही है। कबीर जी। अब्बा देखो बेटा, अब तुम बड़े हो गए, पर मैं अब इन हड्डियों में काम करने की ताकत नहीं है। देखो बेटा, मेरे हुनर को तुम अच्छी तरह सीख लो, ताकि एक अच्छा जुलाहा बनकर अच्छी गुजर बसर कर सको। क्यों नहीं अब्बा, आपके इस हुनर को ही सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। माशाल्लाह, क्या कपड़ा बनाया है भाई। इसे अगर बाजार में बेचने जाओगे तो अच्छे दाम मिलेंगे। जी अब्बा जान, मैं इसे अभी बेच कर आता हूँ। आज अब्बा और मम्मी बहुत खुश होंगी, अच्छे पैसे जो मिले हैं, मेरी पहली कमाई जो है। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा, खुदा के लिए मुझे कुछ दे दे, बहुत दिन से भूखा हूँ। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे। भीख क्यों मांगते हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? खुदा तुम्हारी मदद कैसे करेंगे? जनाब, हमें ये जिंदगी भी खुदा ने ही तो बख्शी है, हम तो सिर्फ फरियाद ही कर सकते हैं। मांगड़ मरण समान है, बिरला बंचे कोई, मांगण मरण समान है, बिरला बंचे कोई। कहे कबीर रघुनाथ सो, मतिर मंगावे मोहि कबीरा, मतिर मंगावे मो। अच्छा तो लो ये पैसे लो, और अपना पेट भर लो। अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे बेटा, इस दुनिया में खुदा ने अगर हम जैसों को बनाया है तो नेक बंदों को भी बनाया है। परवरदिगार तुम्हें लंबी उम्र दे। अबू अबू ये लीजिए, मेरी पहली कमाई। हाँ
कबीर, बेटा ये तो बहुत कम पैसे हैं, क्या इतने ही मिले? नहीं अबू, पैसे तो बहुत मिले थे, लेकिन रास्ते में एक गरीब को दे दिए। शायद उन पैसों की उस नेक बंदे को हमसे ज्यादा जरूरत थी। तुमने अपनी चीजें मुझे इतने महंगे दामों में बेची हैं, जबकि दूसरी जगह यही कपड़ा कम दामों पर मिल रहा है। ए कृष्ण भाई, होश की बात कीजिए। ये सुलेमान की दुकान है, सुलेमान की। यहाँ ये सब नहीं चलता। ऐसे ही चले आते हैं मुंह उठाकर। ये मैं थेला नहीं, चले हैं मलमल खरीदने। सुलेमान भाई, अगर ऐसा है तो हम भी देख लेते हैं। देखते हैं किसके बाजुओं में कितना दम है। अरे मियां छोड़िए, छोड़िए मियां छोड़िए। देखिए ना कबीर भाई कैसे लड़ रहे हैं। भाई समझाइए इन्हें। भाई सुनिए, देखिए एक दूसरे से लड़ना, एक दूसरे को बुरा भला कहना, ये अच्छी बात नहीं है। शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाए, शब्द के हाथ न पाए। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द जो ऐसा बोलिए मन का आपा खो। वाह, सच कहा है, कितनी सुंदर बात है। भाइयों, अपना मन सबको शांत रखना चाहिए, ऐसा स्वभाव किसी को भी अपना बना सकता है। अरे मियां सुनिए। जी कहिए। भाई ये कपड़ा बेचने के लिए ही है ना? जी हाँ, बेचने के लिए ही है, ले लीजिए जितना चाहे ले लीजिए। अच्छा, इतना दाम लेंगे आप? जी इसका मैं एक बात बताइए। जी पूछिए। आपकी बातें इतनी ज्ञान से भरी कैसे हैं? जी ये सब तो गुरु की ही कृपा है। कबीर संगति साधु की कदना निर्फल हो, कबीर संगति साधु की कदना निर्फल हो। चंदन हो सी बावना, नीब न कहसी कोई कबीरा, नीब न कहसी कोई। अरे शंभू, अरे ये कौन है जो गा गा कर सबका चैन छीन रहा है? पंडित जी, ये तो वही ढोंगी भक्त है जिसने सारे वाराणसी के लोगों को अपने जाल में फंसा लिया है। अच्छा तो तुम वही हो मलेच्छ। कलयुग है, घोर कलयुग है। अब एक मुसलमान हिंदुओं के भगवान का नाम लेकर ठगी कर रहा है, हम विद्वानों की बराबरी करेगा। राम 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 राम। ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न हो, ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न हो। स्वर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा हो, कबीरा साधु निंदा हो। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान को, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान को। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, कबीरा पढ़े सो पंडित हो। पंडित जी, जीवन में केवल ज्ञान ही काफी नहीं है, ज्ञान के साथ प्रेम का होना भी आवश्यक है। राम 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 राम। हे भगवान, अब तो कुछ करना पड़ेगा। अरे रुको रुको रुको, ये क्या मजमा लगा रखा है? पता करो ये कौन है। जनाब एक शख्स है
जो फकीरों की मानिंद भजन गा रहा है। उसे हमारे सामने पेश किया जाए। जो हुक्म। सुनो भाई, आपको मनसबदार साहब ने याद फरमाया है। मुझे? कहिए जनाब। आप कौन है? कबीर, कबीर नाम है हमारा। हम सब तो प्रभु का स्मरण कर रहे हैं। क्षमा कीजिए महाराज, ये वही आदमी है जो पाखंड और ढोंग के द्वारा जनता की भावनाओं से खेल रहा है। अरे और तो और जनाब, इसने तो हमारे मौलवियों की भी नींदें हराम कर दी हैं। तो तुम किस मजहब के हो? खुदा के बंदों का कोई मजहब नहीं होता। खामोश! जानते नहीं तुम किससे बात कर रहे हो? अहंकार मनुष्य को विवेकहीन बनाता है, ऐसे व्यक्ति का तो समय भी साथ नहीं देता। गिरफ्तार कर लो इसे, ले चलो बादशाह के पास, चलो। मुझे तो हर तरफ केवल ईश्वर ही दिखाई देता है, फिर किसी से कैसा डर। कहिए वजीरे आला, क्या खबर है? उस गुस्ताख को दरबार में पेश किया जाए। चलो। कहाँ बना? एक उस्ताद मजहब के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहा है। जी हाँ बादशाह सलामत, ये मुजरिम है, एक मुसलमान होते हुए भी हिंदुओं की हिमायत करता है। मैं तो कहता हूँ कि हरी हरी की रट लगाने वाले इस काफिर को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मालूम होता है तुम हमारे मजहब के दुश्मन हो और अपने आप को ही खुदा समझने लगे हो। शहंशाह, मैं ठहरा रमता जोगी, इस संसार की मोह माया से परे। मैं तो तुच्छ प्राणी हूं और केवल उस परमात्मा को याद करता हूं। इस गुस्ताख को ले जाओ और हाथी के पैरों के नीचे कुचल दो। जहां बना, खबर अच्छी नहीं है। कबीर को देखकर तो पागल हाथी ने भी अपना रास्ता मोड़ लिया, और जब उसे जिंदा जलाना चाहा तो भी वह बचकर निकल आया। यहां तक कि लोहा पहनाकर नदी में डुबोया तो भी वो सही सलामत बचकर निकल आया। जहां पना ऐसा इल्म होता है हुजूर कि ये एक शैतानी रूह है जिसने नाक में दम कर दिया है। हिंदू मुस्लिम सभी की यही शिकायत है कि इस शख्स के रहते कोई भी मजहब महफूज नहीं है। नहीं, इन सब वाकयात के माने हैं कि कबीर पर अल्लाह की इनायत है, इसलिए हम हुक्म देते हैं कि इन्हें छोड़ दिया जाए। मेरे जीवन का अंत नजदीक आ चुका है। मेरी एक आखिरी इच्छा है कि मेरा अंत यहीं मगहर में हो। लेकिन गुरुजी, मगहर तो नरक का रास्ता है। ऐसा माना जाता है कि यहां मृत्यु प्राप्त करने वाला कभी स्वर्ग नहीं जाता। हम आपको वाराणसी ले जाएंगे। स्वर्ग जाना या नरक जाना, ये तो कर्मों का परिणाम है, न कि किसी स्थान का। परंतु गुरुजी, क्या वाराणसी, क्या मगहर, जहां भ्रांतियां होती हैं वहां विश्वास होता है। ईश्वर तो हर कण में बसा है। मेरे प्यारे शिष्यों, यही विश्वास तुम्हें लोगों के दिलों में जगाना होगा। ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। आप सभी से हमारी प्रार्थना है कि हमारे गुरु होने के नाते उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति से होना ही उचित होगा। या खुदा, हमारे कबीर साहब को जन्नत में जगह अता फरमाना।
हम अपने पीर को मुस्लिम रिवायतों से नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, संस्कार नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, संस्कार नहीं होगा, संस्कार किया जाएगा। हैं? ये क्या? यहाँ तो महज फूल ही फूल हैं। अरे हाँ, यहाँ तो महज फूल ही फूल हैं। ऐसा जान पड़ता है कि हमारे गुरुजी तो परम ब्रह्म में विलीन हो गए हैं। को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। चलो, इन पुष्पों को ही हम अपनी अपनी आस्था के अनुसार प्रतिष्ठित करें। ना तीरथ में, ना मुरत में, ना तीरथ में, ना मुरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। मेरे पास सबसे बड़ा चैलेंज था कि कबीर जो है एक नीरस करेक्टर है, मतलब आजकल के हिसाब से रोमांटिक नहीं है, उसको किस तरह से हम एक लड़ी के अंदर पिरोएं, उसके दोहों के साथ में मतलब पूरा जजमेंट कर सकें और उसके डायलॉग्स को जो भी कहना चाहता था उसको दोहों के साथ लेके आएं, और वो काम करने में आप समझ सकते हैं कि रात को नींद नहीं आती थी और दिन में वैसी उड़ी होती थी। इस पूरे प्ले की स्क्रिप्ट राइटिंग मैंने की है और डायरेक्शन में प्रवीर दत्ता सर के साथ मैं हूँ, और बहुत ज़्यादा मेहनत हमने की है बच्चों के साथ, 300 बच्चों को लेकर चलना और उनके मूड के साथ चलना, ये हमारे लिए बड़ी टास्क होती है हमेशा। वी वर्क रियली हार्ड एंड कूडोज टू माई चिल्ड्रन हु एक्चुअली पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। आई एम द कोऑर्डिनेटर ऑफ क्लास 7, सो राइट फ्रॉम द कंसेप्चुलाइजेशन टू द एग्जीक्यूशन एंड फाइनल कर्टन कॉल, एवरीथिंग आई वॉज इन्वॉल्व्ड इन एवरीथिंग। आई कांट रियली पिन पॉइंट माई कॉन्ट्रीब्यूशन टू वन आइटम, आई हैड टू लुक आफ्टर एवरीथिंग एंड good that everything became a success, so it feels very good. I was responsible for the entire costume, then the decoration of the corridors and the bazaar we had outside the venue. Jo show unhone yahan par present kiya usko dekh kar ke jo humne mehnat ki aur aisa lagta hai wo safal ho gayi. I played the role of a villager and in the rehearsals also we had a good time because sometimes we missed our studies. 2 months lage acting kari, मुझे चूज़ कर लिया गया कबीर के लिए तो बहुत खुशी हुई, और एवरी डे फुल डे प्रैक्टिस होती थी एमपी हॉल में एंड रूम। वी शुडंट डिफरेंशिएट बिटवीन रिलीजन्स एंड दैट्स व्हाट वाज द मैसेज आई गॉट। आई रियली एंजॉयड दिस पैगामे कबीर प्रोग्राम टुडे, इट वाज अ ब्यूटीफुली परफॉर्मड शो, इट वाज वेरी नाइस एंड इंप्रेसिव। बहुत ही अच्छा लगा एंड इट वाज अ प्लेजर टू बी अ पार्ट ऑफ द प्ले, वी रियली एंजॉयड वॉचिंग द शो। I was watching my kid performing and other kids also performing. The kind of joy I was feeling, in fact, it was helping me also in learning a few things from them. The best thing about it is that every child got a chance to perform on stage. It was an excellent show. See, the amount of coordination and the amount of hard work that needs to be put in for such a show where more than I think 400 students must have taken part is a wonderful job done by the entire school and their team. छोटा कबीर ने कहा कि मम्मा बकरे को क्यों, इसको क्यों मार रहे हो, इसने क्या किया है, इसका क्या गुनाह है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कबीर का जो मेन टीचिंग्स हैं उनको बहुत रिचली प्रोजेक्ट करा है।